गाइस इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रैक। हम लोग चंद्रशिला पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने राम जी ने तपस्या की थी, यहाँ के भी दर्शन कर लिए। आगे एक मंदिर और है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग आ चुके हैं आपको तुंगनाथ महादेव के दर्शन कराने के लिए। अभी फिलहाल हम गुप्तकाशी में हैं। कल रात अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो कल रात हम लोग केदारनाथ से नीचे उतर आए थे, और केदारनाथ से कुछ 24 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है एक शहर जिसका नाम है गुप्तकाशी। शायद एक ग्राम भी हो सकता है, अगर मैं उतना सही नहीं हूँगा तो हो सकता है ये ग्राम हो, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा शहर पास में है ऊखी मठ, जो कि यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर है। तो इतने दो बड़े शहर इस एरिया में होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। बाकी ये ग्राम हो शहर हो उससे कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ से गुप्तकाशी से हमारी जर्नी शुरू होगी तुंगनाथ महादेव के लिए। तो पहले हम लोग ड्राइव करके चोपटा जाएंगे और वहाँ से ट्रैक करके ऊपर महादेव के दर्शन करने जाएंगे। तो चलिए आपको हम रास्ते का माहौल दिखाते हैं, रास्ते की वाइब दिखाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा कि जो चोपटा वाला रोड है ना, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रोड है जिसका कोई जवाब नहीं। एकदम सीनिक ब्यूटी जिसको कहते हैं, उस चोपटा वाले रोड पर है। तो आओ आपको रास्ते के क्या दिखाते हैं वो। अच्छा यार, यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है तुंगनाथ महादेव की। ये गेट है बड़ा ही सुंदर। आपको इस ट्रैक पर इतनी सारी फ्लोरा और फौना स्पीशीज देखने को मिलेंगे। गाइस ये ट्रैक केदारनाथ के ट्रैक से भी कठिन है। हम शायद 50 मीटर चढ़े हैं और सांस फूलने लगी है। 4 घंटे लगेगा तब तो हो गया काम। तब तो अजय भाई चप्पल और पहन आए हैं, हीरो बन रहे थे। 3 किलोमीटर ही तो है अभी, सीढ़ी आएंगी आगे। चलो आगे व्यू दिखाओ इन लोगों को। अरे गाइस ये चोपटा तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक का मैप है। अजय भाई दिखाओ, यहाँ पर दो मैप हैं। आप चोपटा से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी, और दूसरा आप साउ खार्क यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों तुंगनाथ मिलेंगे, फिर तुंगनाथ उसके बाद 1 किलोमीटर आपको चढ़ना पड़ेगा चंद्रशिला के लिए। चंद्रशिला के लिए बहुत ही शानदार एलिवेशन देखो इसका, 3600 मीटर का एलिवेशन है चंद्रशिला का, और चोपटा का 3600, चंद्रशिला का 3700 मीटर। और ये मंदिर बर्फ़ में ढका हुआ। हाँ कह तो लाइब्रेरी में ये ट्रैक है गाइस। कहते लाइब्रेरी में साल लग रहे झूठा है, कह रहा भैया की लाइब्रेरी में देखो भैया ये रहा, कह रहे भैया लाइब्रेरी में भाई इसमें से ले लेना अपनी अपनी फोटो। भाई मैं फोटो ले लूँ यार, कह रहा हूँ इसमें से ले लेना। भाई हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अजय भाई की वजह से। अब है कोई इतनी जल्दी का भगा दे, चलो आराम से यार उतर जाएंगे। नेटवर्क पकड़ रहे भाई? हाँ। गाइस इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रैक। चल रही है ना? गाइस हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, कितनी अच्छी वादी है। रेस्ट करने का मन तो नहीं था हमारा, लेकिन इतना अच्छा यहाँ से व्यू था तो हमने सोचा कुछ देर बैठ के इस व्यू का आनंद लिया जाए, जो कि हमारे आगे चलने वाले लोगों को नहीं पता है। वो लोग सिर्फ चले जा रहे हैं, उन लोग को पता नहीं है कि इस व्यू का मज़ा भी लेना होता है। और यहाँ से जो मैं आनंद ले रहा हूँ उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना सुंदर दृश्य है। मेरे पीछे भी आपको सुंदर ही दिख रहा होगा, पता नहीं सूरज की वजह से मैं दिख पा रहा हूँ कि नहीं दिख पा रहा हूँ। मस्त वो
सामने केदारनाथ है उस पहाड़ के पीछे, और ऊपर हमारा मंदिर। अभी बचा है कुछ 500 मीटर। गाइस हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, अभी पट बंद है, लाइन लग रही है, उसके बाद दर्शन करते हैं, प्रसाद ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, सब लोग लाइन से नंबर ले रहे हैं। ये हमारे बाबा का मंदिर, हम लोग दर्शन कराए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा एक साथी मिल नहीं रहा है, हमारा छुटका भाई खो गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चढ़ा दो प्रसाद। ब्लॉगर की हालत जाम हो गई है, बेहोश हो गया है, उठा नहीं जा रहा है, अब पता नहीं कब तक उठेंगे, बहुत ऊपर जानी है हम लोग को। उठो भाई। मेरी एक मंदिर के सामने गाइस हम लोग चंद्रशिला पहुंच चुके हैं। बेटू आराम से फोन रख दो। बहुत मेहनत लगी यहां तक पहुंचने में। हाँ यहां पे आने के बाद फोटो अच्छी आ रही है, जल्दी लेकर बैठ, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि वर्थ इट था। सच्ची में वर्थ इट नहीं, बहुत बहुत परेशान पड़ा, बहुत थकान हुई भैया, सबसे ज्यादा थकान मुझे हो गई है। सेम पे हम लोग दर्शन करेंगे, तो सेम व्यू था वो नीचे ही था भाई, उसके बाद फोटो खिंचाएंगे। लेकिन ये कि फोटो के लिए चाहिए नीचे दर्शन करके हम लोग चंद्रशिला पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने राम जी ने तपस्या की थी, यहाँ के भी दर्शन कर लिए। आगे एक मंदिर और है, उसके भी दर्शन कर लिए। गौतम भाई दर्शन कर रहे हैं, गौतम भाई लकी हैं कि वो वीडियो में आ चुके हैं। और यहाँ से खूबसूरत वादी। गाइस हम लोग यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे ग्रुप के बाकी के लोग पूजा कर अभी तक आप वापस नहीं आ पाए हैं, क्योंकि एक बंदा हमारा ऊपर चला गया था, उसने पूजा नहीं करी थी, काफ़ी लंबी लाइन है, तो हमको यहीं बैठना होगा। गौतम भाई जो जैकेट लेके आए थे वो अजय भाई पहन लिए हैं। गौतम भाई का रोंगटा खड़ा हो गया, दिखाओ रोंगटा, दिखाओ। बहुत ठंड लगी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। गौतम भाई को बहुत ठंड लग रही है, मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। हम लोग तो कर लिए पूजा, टीका लग गया है, बढ़िया, बहुत अच्छे दर्शन हुए भोले बाबा के, ताकि हम लोग बहुत बढ़िया रहे। गाइस हम लोग मैगी खा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ठंड है भाई। अजय भाई खा रहे हैं उधर, उधर वो दोनों खा रहे हैं। तुंगनाथ पीछे मंदिर है, एक बैठे हम लोग मैगी खा रहे हैं, वो लोग उधर खड़े हुए खा रहे हैं। सनसेट हो रहा बहुत ही प्यारा। अभी कहाँ हो रहा है? चल भाई आओ भाई, हम लोग आधा रास्ता क्लियर कर लिए। गाइस उतरने में थोड़ा सही लग रहा है, लग रहा है सही एज कम्पेयर टू चाइना। गाइस इसको कहते हैं गोल्डन आवर, और गोल्डन आवर में कितना बढ़िया लग रहा हूँ मैं, उस मोबाइल में दिख रहा हुआ इतना प्यारा सनसेट। वाह क्या कहने सनसेट की, इससे प्यारा सनसेट नहीं देखा मैंने आज तक, बहुत ही प्यारा। मैं और गौतम भाई जा रहे हैं रिस्क लेने, पूरा ही जंगल है खाली, इसका खाली है ये, इस रास्ते में से आए हम लोग। गौतम खो गया क्या? भाई आ गया। कहाँ है गौतम? यही यही पर। अबे आराम से, हर हर महादेव। अजय भाई, गौतम भाई गिर गए। भाई, डंडा फंस गया। आराम से आओ, आराम से भाई, व्यू चेक करो। मेरे पीछे ये जंगल चेक करो भाई, इसमें से आए हम, ये रूट से कोई नहीं आ रहा था। मैं और गौतम अकेले आए, हमारे पीछे कुछ लोग और आ गए। आजा भाई आजा। मजा आया लेकिन, रियल एडवेंचर था ये। इसमें मिल सकता था हमको तेंदुआ वेंदुआ कुछ भी। देखो मिलो भाई, भाई मजा आया, जंगल ही जंगल था भाई। चलो अभी आगे भी जंगल है भाई, उधर ले बांधने दे, मेरे को बांध ले, मैं चलता हूँ लेके। इसमें प्रसाद पकड़ के, एक हाथ में मोबाइल पकड़े, एक हाथ में प्रसाद कहाँ पकड़ लें।
ये जंगल वाला रास्ता जहाँ से कोई आता जाता नहीं है। देख रहे हो गाइज, ये पेड़ देख रहे हो गाइज, इन पेड़ में से निकलना पड़ेगा गाइज। तुंगनाथ के किसी भी ब्लॉग में इतना एडवेंचर नहीं मिला होगा देखने को। ये रास्ता कोई दिखा नहीं सकता भाई, कोई नहीं आया होगा भाई इससे। उनको लग रहा है हम पहले ही देश से आने वाले। हाँ बहुत मज़ा, एकदम रियल एडवेंचर भाई, रियल एडवेंचर था ये। अजय भाई मज़ा आ गया, गौतम भाई वेरी जजे भाई आया आया थक गया अजय भाई? बिल्कुल नहीं। सनसेट लवर चेक करो गाइज, सनसेट लवर गोल्डन आवर में, गोल्डन आवर में फोटो क्लिक करा रहे हैं लोग। मोबाइल नीचे डाल दो, गोल्डन आवर में फोटो शूट चल रहा है गाइज, सनसेट लवर्स। अभी और ट्रैक बचा है, मुझे चेक करो गाइज। इन्हीं जंगल में से आए थे हम, बीच में तो एकदम लगा था कि गए। तेंदुआ ढूंढ रहे थे, तेंदुआ तो नहीं मिला, चूहा और चूहा का बिल मिल गया। मयंक भाई की खुशी दोगुना हो चुकी है। कोई जानवर तो मिला? अरे भाई तेंदुआ दिखा दे इसे। अजय भाई देख रहे हो सनसेट लवर। अजय भाई हमारा एक गाइस नीचे पहुंच चुका है। गाइस ये ट्रैक भी कुछ आसान नहीं है, यहाँ भी रोड नहीं है, ये भी प्योर जंगल से होके जा रहा है। सबसे नीचे जहाँ पे एंट्री वाली पॉइंट है, पीछे का दिखाता हूँ तुम्हें। चलो आओ, हम लोग रूट से नहीं जा रहे हैं, हम लोग बिना रूट के जा रहे हैं। देख रहे प्योर जंगल है, प्योर वाइब जो है ना, जितनी भी थकान थी सब मिट गई इसको देख के, है ना गाइज। मेरे गाइज भी एकदम गाइज गिर गया, मैं गिर गया, मैं गिर गया, मैं गिर गया, मैं गिर गया, कैमरे में आ गया, कैमरे में आ भी गया, कैमरे में आ गया, मैं कैप्चर इन ब्लॉग। गाइज ये चेक करो गाइज, ब्यूटी, रियल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, इतना बढ़िया है। चलो गाइस अब नीचे चल के मिलेंगे, मोबाइल भी गिर सकता है। ए गौतम आराम से, वीडियो बन रही है, कैप्चर हो जाओगे। वीडियो मत देखो भाई, क्या मस्त जंगल से उतर रहे हैं हम लोग, जस्ट इसलिए कि हम लोगों को तेंदुआ देखने को मिल जाए। वन मोर टाइम आ जाओ भाई, मस्त वीरान जगह से आ रहे तुम लोग, ये लोग यहाँ हैं और उसके बाद रोड देखो कहाँ है, वो रही
मैं भी हूँ गाइज, मुझे भी चेक कर लो। मैं चल रहा हूँ बढ़िया तरीके से। तो खाना बना रहे हैं, हमारा नाइट टिस्ट यहीं रहेगा। हाँ मैगी खाएंगे सब लोग बना के। भैया ने मैगी बनाने के लिए धो भी दिया है, थैंक यू सो मच भैया। चलो गाइज मैगी निकालो पैकेट। मैगी निकाल भाई, खा ली मैंने कच्ची। ए नीचे बीच में वो है नदी, नदी पार करके जानी पड़ेगी। स्टार्ट गाइस, 1 घंटा 15 मिनट में हम नीचे उतर आए हैं और एक गेट हम लोग ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट लगा हम लोग उतरने में और उतरे कितने मज़े से वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। एकदम प्योर जंगल में से प्योर वाइब आ रही थी, एडवेंचर। अब तुंगनाथ महादेव के दर्शन हो गए, इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर देंगे। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग, अब चलते हैं यहाँ से बद्रीनाथ के लिए। तो इस ब्लॉग पे एंड कर देते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री तुंगनाथ।